सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री सहित अन्य वक्ताओं द्वारा कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरे जाने के बाद प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं देवरी कांग्रेस विधायक ने भाजपा को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है, भाजपा सरकार द्वारा ना तो प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या संबंधी आंकड़े माननीय कोर्ट को उपलब्ध कराए गए हैं और न ही प्रदेश सरकार की मंशा पिछड़ा वर्ग के कल्याण की कर रही है। और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय हुए वो आप हमारे आपके सबके सामने है। निश्चित रूप से जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत था, संविधान पर कटाक्ष था, संविधान के परिपालन में चुनाव आयोग काम करे इसके लिए कहा गया था। हमारी पार्टी का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का स्पष्ट नजरिया था कि परिसीमन जो हमारी सरकार ने किया था वो लागू हो। दूसरा, 2019 के आधार पर जो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में जो परिसीमन हुआ था वो लागू हो। मगर दुर्भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2014 का भी आरक्षण लागू किया, 2019 का भी कुछ पंचायतों में, कुछ जनपदों में आरक्षण लागू किया।